दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर गिराने के मामले में अब तूल पकड़ लिया गया है, जिसके चलते आज गुरु रविदास कमेटी के आह्वान पर शहर में रोष प्रदर्शन भी किया गया। इस रोष प्रदर्शन में शहर की अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रदर्शन में जजपा के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह, कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह बबली अपने समर्थकों सहित पहुंचे। यह प्रदर्शन रतिया रोड स्थित गुरु रविदास धर्मशाला से शुरू होकर शहर के अनेक मुख्य बाजारों से होते हुए चंडीगढ़ रोड के रास्ते अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर खत्म हुआ। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए। ये मंदिर को तोड़ा गया है, ये सरकार की गलत नीतियों का एक नतीजा है कि इन्होंने समाज को बांटने का काम किया और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और हम तवाड़ा की तरफ से इसकी पूरी निंदा करते हैं। देखिए, हम समाज के साथ हैं, समाज के लोगों की तरफ से जो भी आदेश होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस संघर्ष की घड़ी में हमारी पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। का हुक्म हुआ था और हमें जैसे अखबार के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से पता चला कि तुगलकाबाद के अंदर 600 वर्ष पुराना श्री गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर जो तोड़ने का काम किया गया, पहले तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ और ये कहूँगा कि सरकार ऐसी चीज़ों से बाज आए। मैं मान के चलता हूँ जहाँ सद्भावना बढ़ा करके रखने की सरकार को ज़रूरत होती है, वहाँ बारी बारी किसी ना किसी तरीके से लोग सरकारों को छेड़ करके अव्यवस्था पैदा करती है। पिछले दिनों भी आरक्षण को बंद करने की, आरक्षण को खत्म करने की बातें की गई और समाज उससे भड़का, समाज को पीड़ा हुई। आज फिर उसी तरीके से अमन जो है चल रहा है, उस अमन को जो है ना वो खराब करने के लिए, भाईचारा तोड़ने के लिए जो हमेशा प्रयास सरकार करती है, मजमों में बांट करके, धर्मों में बांट करके ऐसी चीजें करती है। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज ने सांझीवालता का उपदेश दिया, हमें एक होकर के मिलकर चलने का उपदेश दिया है।